नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं ग्वार के ताकतवर लड्डू। जो भी लोग हेल्थ की दृष्टि से कमज़ोर हैं वो इन लड्डुओं का जरूर सेवन करें। सर्दियों में ये आपको रामबाण दवाई के रूप में आपके हेल्थ के लिए कारगर होंगे, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और सारी बीमारियों से लड़ने की इनमें क्षमता होती है। तो इसकी सारी गुणवत्ता बताऊँ मैं, इससे पहले ग्वार को हम लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम ग्वार, और इसको अच्छे से धो करके साफ करके और फिर धूप में फैला देंगे सूखने के लिए। तो 2 से 3 पानी से अच्छे से हमें इसको धोना है और फिर सूखने के लिए छोड़ देना है। लगभग 4 से 6 घंटे तक हमें इसे अच्छे से धूप में सुखाना है। जब ये बिल्कुल से सूख जाएगा तब हम इसकी जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो आप दोस्तों, अगर कमज़ोर है या फिर आपके घर में कोई भी कमज़ोर लेडीज है, कोई भी आपका युवा घर के अंदर कमज़ोर है शारीरिक दृष्टि से, तो आप उन्हें ग्वार के लड्डू बना कर दें। निश्चित रूप से मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ग्वार को मैंने धो करके और साफ करके इसको एकदम से क्लीन कर रहा है। पहले धोया, साफ किया, सुखाया अच्छी तरह से, फिर इसको साफ कर लिया है। तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। और दोस्तों, अब डालूंगी मैं इसे जार के अंदर, और इसका जो है वो हम एकदम महीन सा पीस लेंगे इसको। मैंने सारी ग्वार को जार के अंदर डाल दिया है, और ये मैंने टोटली 200 ग्राम ग्वार लिया था, धो करके साफ करके और तैयार कर लिया है। तो ये मैंने इसको पीस करके भी तैयार कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं, अभी हमें इसको छानना होगा। और इसके मैं 2 बार में लड्डू बनाऊंगी। एक बार में मैं 100 ग्राम के बनाऊंगी, उसके बाद में फिर 100 ग्राम जो ये ग्वार का जो आटा है उसकी हम दूसरी सेकेंड राउंड में बनाएंगे। एक साथ में नहीं बनाएंगे, 100 100 ग्राम ग्वार का जो ये पाउडर डाल करके हम जो है लड्डू बना रहे हैं। तो छान लेते हैं इसको, 100 ग्राम की क्वांटिटी में लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको छान लेते हैं, और छान करके जो इसका ऊपर का मोटा पार्ट है उसे निकाल देंगे, और 100 ग्राम हम इसको क्वांटिटी में ले रहे हैं। आज के लड्डू में हम 100 ग्राम गवार का जो पाउडर है उसका यूज करेंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम पाउडर निकाल लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने लिया है जो मखाने होते हैं, वो ये मखाने भी हमारे कमर दर्द और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मखानों को जितने भी क्वांटिटी में आप यूज करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम मखाने लिए हैं, और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे मखानों को। 2 2 मिनट तक हम इसको स्लो टू मीडियम गैस पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर जार के अंदर डाल करके इसका भी जो है दरदरा सा पाउडर हमें बना लेना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको आप इस तरह से तोड़ करके देख ले, जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो एकदम से इनका जो है पाउडर सा होने लगता है। तो मैंने इनका पाउडर बना लिया है, और इनको हम एक बर्तन में डाल देते हैं। सारी जो तैयार क्वांटिटी होगी हम एक ही बर्तन में डालते जाएंगे। दूसरी तरफ गैस पे मैंने पैन टिका दिया, और अब हम सेकेंगे गवार का जो हमारा दरदरा सा आटा है उसको हम इस तरह से सेकेंगे। स्लो टू मीडियम गैस पे हमें सेकना है दोस्तों। गवार एक ऐसी औषधि है, क्योंकि इसके अंदर घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में एनर्जी देता है, और इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, जो कि डायबिटीज़ जैसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और हाँ दोस्तों, ग्वार के अंदर ग्लाइको न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के रक्त स्तर को भी नियंत्रित करता है। बहुत सारे गुणों से भरपूर ग्वार हमारे शरीर को एनर्जी देता है। कमज़ोर लोगों के लिए रामबाण दवा है। वहीं इसके अंदर कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसके अंदर जो फोलिक एसिड होता है वो हमें बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देता, तंदुरुस्ती बनाए रखता है।
इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर इतनी सारी एनर्जी होती है, विटामिन बी, कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारी कमर और घुटनों के दर्द से हमें दूर रखते हैं। और गवार के अंदर एक जो खास चीज़ होती है, हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपोलिपिडिमिक गुण जो होता है वो उच्च रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उससे हमें दूर रखता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है। बहुत सारे गुण होते हैं इसके अंदर, तो आपको ज़रूर ग्वार का यूज करना चाहिए। डाइट्री फाइबर, पोटेशियम और फोलेट होने से ये हमारी जो हृदय रोग होते हैं, जिनको हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये बहुत ही हेल्प करता है, मददगार साबित होता है। बहुत सारी एनर्जी हमें सर्दियों में देता है, इसलिए सर्दियों में किसी न किसी तरह से आपको गवार का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको धीरे धीरे रोस्ट करते हुए लगभग 8 से 10 मिनट तक स्लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से रोस्ट कर लिया, और इसका जो कलर भी आप देख सकते हैं गोल्डन सुनहरा कलर हो गया है। तो इतना ही हमें इसको सेकना था। मैंने आपको इसकी भरपूर गुणवत्ता बताई, भरपूर गुणों से युक्त होता है। और अगर आपके घर में कोई भी कमर दर्द का या फिर घुटनों के दर्द का पेशेंट हो तो आप उन्हें ज़रूर बना कर दें ये, वो आपके गुण गाएंगे, आपको बहुत ही आशीर्वाद देंगे कि बहुत ही अच्छा इस सर्दी में महसूस हुआ, शरीर बहुत ही हष्ट पुष्ट जो है इससे रहता है। तो देखिए इस तरह का गवार था, और सिकने के बाद इसका जो कलर आप देख सकते हैं इस तरह का हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसको उसी बर्तन में डाल देना है जिसके अंदर के हमने मखाने का जो पाउडर डाला हुआ है। अब लेंगे दोस्तों हम ये गोंद और गोंद को फ्राई कर लेते हैं। गोंद को फ्राई करने के लिए गैस पे पैन टिकाएंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी देसी घी, और ये मैंने घर पे बनाया हुआ गाय का घी है। तो क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें डाल करके और गुणकारी लड्डू बना रहे हैं, तो देसी घी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये घर का निकाला हुआ गाय का देसी घी है, जहां तक हो आप भी देसी घी का यूज करें, और गाय का घी मिल जाए तो बात ही क्या है। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं, अच्छे से गर्म हो जाइए। तो हमें लेना है एक ऐसा झारा, और झारे के अंदर हमें डालना है गोंद, जितना कि इसके अंदर फ्राई हो जाए उतना हम गोंद इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि इतना ही गोंद इसमें एक बार में फ्राई हो सकता है, तो हम इतना ही डालेंगे। जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाता है हम इसको इसके अंदर डिप कर देंगे। तो दोस्तों घी अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसको इसके अंदर डिप कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे इसके अंदर डाला, और ये देखिए इसी तरह से हमें सारी गोंद को फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई हो गया है और गोंद को हमें इसी बाउल में डाल देना है। गोंद हमारा फ्राई हो गया है, अब जो घी बचा हुआ है उसको हम छान कर लेंगे। इस तरह से हम छान लेंगे, और इस आटे को हम इसी पैन के अंदर डाल देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। आटे को हमें रोस्ट करना है स्लो गैस के ऊपर, जब तक कि इसका गोल्डन कलर नहीं होता है ना, हल्का सुनहरा भूरा, तब तक हम इसको इसी तरह से अच्छे से रोस्ट करेंगे आटे को। अब इसी में कुछ ही नहीं मिलाना है, बस आपको इसको 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करना है। देख सकते हो आटे को मैंने लगभग 7 से 10 मिनट तक इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए पका लिया है, रोस्ट कर लिया है। अब आप इसका कलर भी देख सकते हो, और अब हम थोड़ी सी इसके साथ ही गैस का फ्लेम बंद करने से पहले ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। तो आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो रफली चॉप कर लें, मैंने इनको रफली चॉप कर लिया था और अब इनको मिक्स कर दिया है, और 1 मिनट के लिए इनको इसके साथ ही ड्राई रोस्ट कर देते हैं और फिर गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर लेंगे।
तो इससे क्या होता है कि जो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत ही अच्छे रोस्ट भी हल्के से हो जाएंगे, और आपके जो लड्डू के अंदर जो टेस्ट आएगा वो भी बहुत ही अच्छा आएगा, और ये लड्डू बहुत ही हेल्दी बनने वाले हैं। तो देखिए 1 मिनट हो गया है, तो अभी हम इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे किसी परात में निकाल लेते हैं। देख कितना अच्छा गोल्डन सुनहरा कलर आया है। आटे को भी निकाल लिया है, और अब हम इसके अंदर करेंगे ड्राई रोस्ट, जो कोकोनट का बूरा होता है उसको इसी पेन के अंदर हम ये बूरा डाल देंगे और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, लगभग 2 मिनट तक, बिल्कुल स्लो गैस पे हल्का सा। कोकोनट का बूरा आप घर पे भी बना सकते हो, और मार्केट से भी ये इजीली से मिल जाता है। मार्केट के बूरे के अंदर जो तेल निकाला हुआ होता है, और अगर आप घर का बूरा तैयार करेंगे, जैसे कि मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, मैंने घर पे ही तैयार किया, तो किस तरह से आसानी से आप कोकोनट का बूरा घर पे भी बना सकते हो, वो भी आप यूज करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपकी हेल्थ को, आपकी हड्डियों को ऑयली करता है वो, जिससे ग्रीस बनता रहता है और इसके अंदर से ऑयल निकल जाता है, तो जो जोड़ों के दर्द में जो ग्रीस बनता है जो, वो नहीं बनता है। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। इसको फटाफट में, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, तो इसे फटाफट में इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। दोस्तों अब मैंने ये लिया है 200 ग्राम शुगर और आधा बाउल पानी, इसको भी हम इसी पैन के अंदर डाल देते हैं और इसकी चाशनी प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों चीनी और पानी अच्छे से घुल गए हैं, अब एक तार की चाशनी आने तक हम इसे पका लेते हैं। तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। तो ये लिया मैंने बड़ा सा बर्तन, ये मैंने कोकोनट का बूरा और गेहूं का आटा रोस्ट किया हुआ था मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर है गोंद फ्राई किया हुआ, और जो गवार का पाउडर और मखाने का पाउडर, सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ मावा, घर पे निकाला हुआ मावा है। तो देखिए ये मैंने 2 दिन पहले मावा तैयार किया था, इसको हम ग्रेट करके और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मावे को हम निकालेंगे और थोड़ा ग्रेट करके और इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो इसको थोड़ा ग्रेट करना है, तो इस तरह का कोई भी ग्रेटर लेंगे और मावे को इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हो, तो सारे मावे को ग्रेट करके और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारे मावे को ग्रेट कर लिया, और थोड़ा बच गया उसको मैंने ऐसे ही हाथों से भी मिक्स कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चाशनी देख लेते हैं, चाशनी में अच्छे से उबाल आ गए हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देते हैं और इसका हम तार चेक करेंगे कि हमारी चाशनी के अंदर एक तार आया है कि नहीं आया है। इस तरह से थोड़ी सी चाशनी को 1 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, रहना अच्छे से। एक तार की चाहिए हमें, एक तार की चाशनी रेडी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। जैसे ही बस ये ध्यान रखना करना है, देखिए इस तरह से तार बन रहा है, मतलब चाशनी रेडी है। तो ये मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को या फिर चाशनी को इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल देते हैं। यह इसको ऐसे करते हैं और इसके ऊपर हम चाशनी डाल देते हैं। ये मैंने चाशनी ले ली, चाशनी को आप चाहे तो थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं हल्का सा, और ये वैसे ही ठंडी हो जाएंगे। को डालते हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ा बर्तन होता है तो आराम रहता है बहुत ही, इससे हम मिक्स करेंगे इसको।
क्या है कि गोंद जो है ना फूटता नहीं है, और अगर आप स्पून से मिक्स करते हैं तो गोंद क्या है थोड़ा फूट जाता है। तो ये देखिए पूरा बेटर एकदम से बराबर तैयार हुआ है। पूरे बेटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, कहीं से भी सूखा गीला ना रहे। तो ये मैंने पूरे बेटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स भी हो गया है। अब जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों अब हम एक लड्डू के जितना बैटर लेंगे। लड्डू बड़े छोटे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और इस तरह से लड्डू बना लेंगे। क्योंकि जितना आपको खाना है या फिर खाने को देना है अपने वृद्ध माता पिता के लिए बनाया है, तो इस तरह का एक पीक लड्डू बना लें और उन्हें डेली को सुबह दूध के साथ दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उनके कमर का और जो गोड़े का दर्द है बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। ये लड्डू बिल्कुल बन करके बिल्कुल सरटी हैं। आप चाहे इसको चाहे जिससे गार्निशिंग भी कर सकते हैं, और इसको बर्फी के रूप में भी जमाया जा सकता है। इसको सीधा जमा करके फिर बर्फी की तरह भी आप कट कर सकते हैं, पर लड्डू ज़्यादा बढ़िया रहते हैं इसलिए मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लड्डू रेडी हो गए। इसी तरह से हम अपने सारे जो लड्डू है वो बना लेते हैं। और देखिए आप चाहे तो लड्डुओं को इस तरह से गोंद के अंदर कोट भी कर सकते हैं, थोड़े से गोंद लेकर के, और इस तरह से लड्डुओं को लड्डुओं के ऊपर लगा दें। और इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बना लेते हैं। जी दोस्तों हमारे लड्डू तैयार हैं। कमजोर लोगों के लिए रामबाण दवाई है ये लड्डू। ये खाने के बाद आपको ताकत की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लोग शरीर से कमज़ोर हैं, कमर के दर्द से परेशान हैं, उनको जोड़ों में दर्द है, इनका सेवन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।